वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक डेटा अनुसार वर्ल्ड में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड हैं, यानी दुनिया के 30 करोड़ लोग अपनी जिंदगी में निराश या उदास हैं, जिसमें से 8 लाख लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, जिनकी उम्र 15 से 29 साल की है। ये हमारे दुख की चरम सीमा है, जहां जो उम्र जिंदगी को जीने की है वहां लोग मौत को चुन रहे हैं। क्यों, चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। डिप्रेशन का एक मुख्य कारण जो विकिपीडिया ने बताया है वो है लोनलीनेस, यानी अकेलापन। वैसे अकेलापन मतलब अकेले रहना, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं तो हमें भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। लोनलीनेस के बहुत सारे रीजंस हैं, पढ़ाई का टेंशन, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, और ज़्यादातर अपने इमोशंस को हैंडल ना कर पाना। फिर क्या होता है, अचानक से मूड बदल जाना, अपने आप को रूम में बंद कर देना, किसी से बात ना करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान ना देना, और बुरी आदतें जैसे कि टोबैको या दारू की लत लगना, और सबसे दूर चले जाने का मन होना। मेरी मानिए, हर व्यक्ति के जीवन में ये दौर जरूर आता है, और वही हमारे जिंदगी की असली कसौटी। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं अपने ये पतले समय में, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या करने वाले हैं इस खूबसूरत जिंदगी का। कैसे बाहर आए ये डिप्रेशन और लोनलीनेस से, तो सबसे पहले ये दोगलेपन से बाहर आ जाइए कि आपको कोई मदद नहीं करना चाहता या आपकी परवाह किसी को नहीं। चलिए मान लिया कोई नहीं है, पर कोई आपकी मदद करे या ना करे, आप खुद तो अपनी मदद कर सकते हैं। आप हाथ बढ़ाओ जिंदगी के सामने, वो आपको खुद रास्ता देगा। कुछ रास्ते मेरे पास भी हैं। 3P/10, मतलब प्रे, प्राणायाम और प्ले म्यूजिक, सिर्फ 10 मिनट के लिए। आप ट्राई करिए, आई एम श्योर यू विल फील डिफरेंस। प्रे, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मेरी शरण में आ जा, शोक मत कर। तो अपने आप को एक रूम में बंद कर देने से तो अच्छा है ना कि आप अपने वो खुदा, वो ईश्वर के पास बैठे जिनको आप मानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर दिखेगा। प्राणायाम, यहाँ मैं आपको कोई योगी या कोई बाबा जी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10 मिनट आप गहरी सांस भरें और छोड़ें। और अगर आपको ये भी करने में परेशानी हो रही है तो इंटरनेट पे जाइए और रिलैक्सिंग म्यूज़िक सर्च करें। आप वो रिलैक्सिंग म्यूज़िक अपने कानों में सुनिए, वहाँ अपना ध्यान केंद्रित करें, आई एम श्योर आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। प्ले म्यूज़िक, मैं देखता हूँ हमेशा लोग जब दुखी होते हैं तो और दुखी गाने सुनते हैं। अरे भाई, दुख भरे नगमे सुनोगे तो और दुख महसूस होगा। सो बेटर कोई लाइव गाने सुनिए, कोई हाई बीट गाने सुनिए, कोई हैप्पीनेस वाले गाने सुनिए और साथ में गाइए। तो देखते हैं आज का होमवर्क। अगर आपको भी अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको भी ज़िंदगी में तकलीफ है, तो इन जगहों में से कहीं विज़िट ज़रूर करिए। आप देखिए अपने घर के आजू बाजू कोई स्लम एरिया हो, कोई अनाथ आश्रम हो या कोई वृद्धाश्रम, जाइए उनसे बात करिए। आप महसूस करेंगे कि दुनिया में कितना गम है और मेरा कितना गम है। और याद रखिए, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।